और देश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घोटालों के दोषियों पर कार्यवाही करने की बजाय उनको बचाने में लगी हुई है। यह बात इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार में पिछले 9 महीनों में 9 घोटाले उजागर हुए हैं। इनमें से धान घोटाला, गेहूं व सरसों की खरीद में घोटाला, चावल मिलों से कम चावल मिलने का घोटाला, लॉकडाउन में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम घोटाला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला और सफल बीमा घोटाला शामिल है। उन्होंने कहा कि इनेलो भाजपा जसपा सरकार के घोटालों को लगातार उजागर कर रही है और सरकार से इनकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी कर रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन घोटालों से साफ है कि इस सरकार को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं। अभय सिंह ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगी और इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर इनेलो प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कमर कस ले और हलका में अपने संपर्क के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी से यह चर्चा शुरू हो गई है कि बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो और कांग्रेस की टक्कर होगी, भाजपा जसपा को अपनी जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अभय सिंह ने कहा कि भाजपा राज में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। पहले फसल खरीद के समय किसानों को लूटा गया और अब टिड्डी दल के बहाने किसानों की कमर तोड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अलग अलग पार्टियों को छोड़कर के नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो ज्वाइन किया है, उन सबका मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने एक कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी है और उस मीटिंग के अंदर बड़ौदा के उपचुनाव का विशेष रूप से जिक्र आया। उस वक्त ये फैसला हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट से कहीं से 300, कहीं से 400, कहीं से 500 कार्यकर्ता जो है बड़ौदा के उपचुनाव में जाकर के लोगों से मिल करके जहाँ कांग्रेस पार्टी को फोन खोलने का काम करेंगे, वही आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी भी विस्तार से हम लोगों के बीच में चर्चा करके आए। इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे इस 9 महीने की सरकार में किस तरह से प्रदेश के लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है, किन हालात से हमें गुजरना पड़ा, किस तरह से कोरोना की महामारी की आड़ में प्रदेश के किसान को दोनों हाथों से लूटने का काम इस सरकार ने किया, किस तरह के नए अध्यादेश ला करके किसान को और कैसे कमजोर किया जा सके, इस कोरोना की आड़ में किसान कमजोर हो इसके लिए नई नीतियां बने, क्या क्या घोटाले प्रदेश में हुए, उन सब चीजों का जिक्र हम बड़ौदा के उपचुनाव में जाकर के करेंगे। और उस वक्त विशेष रूप से जो हलका के अध्यक्ष थे, जिला के अध्यक्ष हैं, अलग अलग संयोजक थे, उनसे मैं कह करके गया था कि आप एक लिस्ट बना करके रखें कि किस किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता बड़ौदा के उपचुनाव के लिए समय निकाल पाए। उसके बाद स्टेट की मीटिंग जब हुई, मीटिंग के अंदर प्रधान जी ने, हलका के अध्यक्ष ने, अलग अलग अध्यक्षों ने अपनी अपनी तरफ से लिस्ट दी थी।
आज जहां हमें भरोसा के उपचुनाव में अपनी जिम्मेवारी के ढंग से निभानी है, उसके लिए क्योंकि आज के टाइम में कुछ देर से लंबा चौड़ा काम नहीं, किसान खाली है और हमारी पार्टी की जो जड़े हैं वो गांव में बसने वाले लोगों की, खेती करने वाला व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ आज से नहीं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है तो सारा का सारा गांव में बसने वाले लोगों का है, और ना कोई शहर है ना कोई कस्बा, और बड़ौदा आपसे तो मेरे ख्याल से ज्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से तो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर होगा, वही होगा 100 से भी कम है, चलो मैं ये कहते हल्के 100 किलोमीटर का सफर भी करना पड़ता। मैं सब सब फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा कर गया हूँ, तो साथ ही 5 तारीख को अपने पार्टी के हल्का के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कोई राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में, कोई जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कोई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के नेतृत्व में 150-150 की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा क्षेत्र से 5, 6 और 7 की मिल लगा करती है। आपसे भी निवेदन कर लिया है कि आप 5, 6 और 7 को 3 दिन का समय निकाल करके अपने जो 6 विधानसभा क्षेत्र थे या सात, इन 7 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या के अंदर बड़ौदा में आओ। जब बड़ौदा के अंदर फतेहाबाद के, हिसार के, सरसा के तीनों जिलों के इकट्ठे लोग जाकर 3 दिन उन लोगों से मिल करके जहाँ अपने इलाके की दिक्कत कठिनाई उनके सामने बताओ, वही जहाँ सरकार की पोल खोलने का काम करोगे तो मान करके चलो वहां के लोग आपके ऊपर विश्वास और भरोसा करके आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके आपको। आज अगर कोई सरकार का व्यक्ति उन लोगों के बीच में जाता है तो शायद के वहां के लोग उनके सामने सवाल खड़ा करते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया के जो साथी हैं ये रोजाना बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनसे मेरी सीधी जान पहचान है, मैं वहां लोगों से रोजाना फीडबैक लेता हूँ कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, लोग किसको आने वाले समय में अपना विधायक चुन करके भेजना चाहते हैं। आपने भी बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर चलती वीडियो देखी हो, हमारे वक्त में चौधरी देवीलाल जी ने जब वहां से कोई उम्मीदवार खड़ा किया तो उनके विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे करके उनका सम्मान बनाया। चुनाला साहब ने भी लगातार उसी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे करके बाकी लोगों की सेवा करने का काम किया। कांग्रेस ने 3 प्लान वहां से जीते और 3 प्लान के अंदर उन्होंने भारी व्यक्ति को लाकर के उनके ऊपर थोपने का काम किया। लोग आज वहां पे इस बात को लेकर के कांग्रेस से कपाया कि कांग्रेस ने 15 साल तक हमारा बेवकूफ बनाने का काम किया, MLA हमने बना करके दिया, जिस MLA की जिम्मेवारी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम करने की थी, हमारे गांव का विकास करवाना चाहिए, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देनी चाहिए, हमारी अनदेखी की गई वो ढंग से लिया गया, विधायक हमने चुन करके भेजा, ताकत हमने दी और हमारे सामने बड़े दिक्कत और कठिनाइयां खड़ी करने का काम। लोग कांग्रेस किसी को भी उम्मीदवार बना करके खड़ा करते हैं, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। रोजाना सोशल मीडिया पे भी इस बात की खबर आती है कि हमने कांग्रेस को 15 साल तक यहाँ से नुमाइंदा जिता करके दिया, लेकिन आज भी हमें बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई गांव के अंदर
पीने के पानी की दिक्कत है, पुलों की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, बच्चों के कॉलेज जाने के लिए साधन की वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। जहां कांग्रेस से घपा है वहां बीजेपी और जसपा, ये दोनों जो पार्टी इनके लोग तो वहांगलती से चले भी जाए ना तो लोग उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तुम जो वायदे कर करके हमारे से वोट करके गए, तुम वायदा कर क्या, वायदा दे भी पूरा नहीं, उल्टा इस 9 महीने के कार्यकाल में वो इस तरह के बड़े घोटाले किए जिसमें सबसे ज्यादा मार जो है गांव के व्यक्ति पर, खेती करने वाले पर पड़ी। पहला घोटाला किया था धान का, धान के घोटाले के अंदर 200 से 300 रुपए तक नमी के दाम के ऊपर लोगों से सरकार ने लूटने का काम किया। हमने जब उसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी करवाने के बजाय ये कहकर के पला झाड़ लिया कि आप जाकर के सब वेरिफिकेशन करिए। और जब मैं गया वहां पे मंडियों में किसानों से मिला, किसानों को लेकर के मीडिया के लोगों के रोबरू हुआ, उनकी वीडियो ऑडियो बनवाई, किसानों की दिक्कत और कठिनाई जब मुख्यमंत्री के पास मैंने फिर दोबारा दिन करके भेजी, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब देने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। धान का घोटाला हुआ, धान के बाद सरसों का घोटाला हुआ, चने की खरीद में बहुत सारी दिक्कत किसान के सामने है। जो आपके इलाके में जहां पे चना हो रहा है वहां का किसान जब मंडी में चना लेकर के आया था, अंडर साइज के नाम के ऊपर उस किसान की बड़ी ट्राली को वापिस मंडी से भेजने का काम, जिस किसी का लिया सरकार ने उसमें 5-5 किलो बैग में ज्यादा भर के तुलाई वाली मशीन में गड़बड़ी करके किसान को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि फसल जब आप बेचने गए जहां आपको बेहतर घंटे में पेमेंट मिलनी चाहिए थी, 1.5 महीने के बाद नहीं जाकर के किसान के खाते में पैसे, अब की बात तो गेहूं में भी कहीं ना कहीं उनसे बिगड़े के नाम पे, मर्चेज के नाम पे उसमें भी कटौती करने का काम है। उसके बाद शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के बाद ये जो ट्रांसफर करे थे, इस ट्रांसफर के अंदर भी कर्मचारियों से हजारों करोड़ का लेन देन करने का काम। इसके बाद नया नया घोटाला आपके सामने रजिस्ट्री का आया कि नहीं आया, 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्री करी अकेले गुड़गावा के अंदर, 1199 रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने से पहले सरकार से NOC लेनी पड़ती थी, आप लोग रोजाना तहसील में चक्कर काटते, रोजाना आप देखते, बिना NOC के कोई रजिस्ट्री नहीं होती। और गुड़गावा के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध लगा हुआ है कि बिना NOC के कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकते। हजारों करोड़ रुपए जो लोगों के लूटने का काम है, यहाँ तक कि एक तहसीलदार ने तो ये भी कह दिया था कि हमें ऊपर पैसा पहुंचाना है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ऊपर पैसा या तो मुख्यमंत्री ले और या फिर मानकर के उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा वो लेगा तो नहीं लेगा। मुख्यमंत्री तो कहता है कि मैंने इसलिए रजिस्ट्री बंद कर दी कि मुझे पता लगा कि रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, गड़बड़ है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तो भ्रष्टाचार रोकना चाहता हूँ, तो मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं गया तो फिर मान के चलो जो इस विभाग का मंत्री उसके पास पैसा नहीं गया, साथियों याद करो जब ये लोग पार्टी छोड़ करके गए थे, जब इन्होंने आपकी पार्टी के बीच में छुरा घूमने का काम किया, तब ये गांव गांव में जाकर के रोते थे, कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, ये भी कहते थे हमें कुछ नहीं दिया, जो कुछ था अवैसी ने अपने पास रख लिया।
चलो मैं मान लेता हूँ मैंने अपने पास रखी। अब आप उनको देखते होंगे, कोई लैंड क्रूजर पर चढ़ा फिर, कोई मर्सिडीज के ऊपर चढ़ा फिर, कोई आपकी फरारी गाड़ी ले रहा है। फरारी सुनिए कि क्यों है, 5 करोड़ की आती है। कोई जैगुआर लेकर के घूम रहा है, मतलब आज उनके पास इतनी लग्जरी गाड़ियां होगी तो फिर इसका मतलब मान के चलो वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे ढाके डाल करके आया होगा, क्योंकि इसके तो कुछ था ही नहीं, चलो कह रहे थे कहने रख दिया था सारा। मेरे पास तो कोई गाड़ी है जो पहले आपके बीच में लेकर गया था। इसलिए ये सारी की सारी बातें लोगों के बीच में जाकर के जब कहोगे तो आज भी जो कोई लोग किसी गलतफहमी की वजह से उनके साथ लगे हुए हैं वो फिर से आपकी पार्टी के साथ जुड़ने का काम करें। पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें नया काम और करना पड़ेगा। हमारी पार्टी की तरफ से हर 2 साल के बाद मेंबरशिप नए मेंबर बनाए जाए, नए मेंबर बनाना भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की एक हिदायत है कि हर 2 साल के बाद हर राजनीतिक दल को अपनी नई मेंबरशिप बनानी पड़ती है, जिनकी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी रजिस्टर्ड जो है इलेक्शन कमीशन में। हमें 2.5 साल हो गए हमारी मेंबरशिप नहीं बनाता, नहीं बनाने का कारण रहा। अब जब नए सिरे से मेंबरशिप शुरू करने जा रहे थे मार्च में तो कोरोना की महामारी आ गई, उसकी वजह से इस काम को हमें रोकना पड़ा। लेकिन अब साथियों लगातार लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग रोजाना आपके साथ आना चाहते हैं। मैं मेंबरशिप की कापियां लेकर के हूँ, प्रधान जी को मैंने कापियां सौंपी, हल्का के साथों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, पार्टी के अलग अलग सारे संयोजक बैठे हैं, राष्ट्रीय सतर के नेता भी बैठे हैं। आप सबकी जिम्मेवारी है आप उन कार्यों का गांव में कार्यकर्ताओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कराओ और कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी लगाओ कि गांव में हर व्यक्ति के पास जाकर के वो एक दफा उसके दरवाजे को खटखटा करके कहे कि हम तेरे को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेंबर बनानी है। जब आप उसको जाकर के कहोगे कि हम तेरे को मेंबर बनाने आए हैं, अगर कोई सामने से ये कहे कि मैं तो फला पार्टी का सदस्य हूँ तो उसको ये बात जरूर खुद करके कहो कि अगर हरियाणा को बचाना चाहते हो, प्रदेश के किसान को अगर आप जिंदा देखना चाहते हो तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ो, उसके मेंबर बनो। लोग हर वर्ग के दुखी है, हर पार्टी का दुखी है, वो आपके साथ मेंबरशिप साझा करेगा, वो आपका मेंबर बनेगा। चाहे मेंबर बनाओ उसके लिए 3 दिन 5, 6 और 7 को समय निकालोगे कि नहीं निकालोगे? समय निकालोगे तो एक बार हाथ खड़े करके बताओ, कभी भी आप जाओ मेरे 8 तारीख से कार्यक्रम बनाऊंगा। अगर मैं जिन गाँव में जाऊंगा अगर आप लोग वहां जा करके आओगे तो लोग मुझे जरूर ये बताएंगे कि हिसार के लोग भी आए थे, सरसा के भी आए थे, फतेहाबाद के भी आए थे। अगर नहीं जाओगे तो मैं पूछ लूंगा उनसे कोई आया था। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टी फिर सीटों पे पहुंचे, जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया था उन लोगों को फिर से रातल पे लाओ, मान के चलो इस चुनाव के बाद जब इस चुनाव के रिजल्ट आए अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपकी पार्टी का ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हमें कहते थे कि हम इंडियन नेशनल लोकल पार्टी खत्म होगी, ये पार्टी तो फिर से घर पे पहुंच जाएगी, लेकिन वो लोग सौ फीसदी आशिया पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? चुनाव के अंदर थोड़ा सा भी तुम लोगों ने काम किया उसका केवल नतीजा बढ़िया नहीं,
बल्कि आने वाले समय में आप लोग सत्ता की तरफ बढ़ जाओगे। ये लोग सड़क पे भी नहीं निकल पाएंगे, इनको तो लोग सड़कों पे रोक रोक करके पूछेंगे कि तुमने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया। उन्होंने केवल आपकी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया। इस प्रदेश के किसान को 100% की उम्मीद थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने कभी भी कोई भी वायदा किसान के साथ प्रदेश के लोगों के साथ किया उसको पूरा किया। चौटाला साहब ने कभी लोगों के बीच में खड़े होकर के किसी भी बात का विश्वास लोगों को दिला दिया तो उनका विश्वास टूटने नहीं दिया और विश्वास को पूरा किया। और हमारा भी फैसला था, चौटाला साहब का फैसला था कि अगर आपकी सरकार बनती तो कर्जे भी माफ होते, गरीब की बेटी के लिए 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में भी मिलते। अब जब जब ये सारी चीजें फिर से मिले तो फिर समय निकालना बड़ौदा है। बड़ौदा में जब जाओगे तो नतीजे आपके पक्ष में 100% आएंगे, क्योंकि अब तो मीडिया वाले भी ये कहने लगे कि वहां पे अगर किसी का कोई आपस में मुकाबला है तो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में है। आज आप वहां मुकाबले में हो, मेहनत करोगे तो कांग्रेस को भी मुकाबले से बात करोगे। ये सारी बातें आपसे करने आया था, जो साथी आज नए सिरे से आपकी पार्टी के साथ जुड़े हैं उन सबका फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सुनिश्चित करता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।